ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग ने देखा था ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स हम लोग कल की क्लास तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, ऑपरेटर्स में किसी को कुछ डाउट है क्या? कोई ऑपरेटर नहीं समझ में आया होगा? कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इतने सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, रिलेशनल को बताने की ज़रूरत है क्या? लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब तो समझते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज जावा कीवर्ड्स। ठीक है, कितने सारे कीवर्ड्स होते हैं? ठीक है, बेसिक अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 48 कीवर्ड्स होते हैं। कितने कीवर्ड्स होते हैं? 48 कीवर्ड्स जावा में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है, अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। कीवर्ड्स मतलब एक ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं जावा प्रोग्रामिंग में। ठीक है, जावा JDK के अंदर में पहले से कीवर्ड्स कुछ डिफाइन होते हैं। सेम कीवर्ड से हम लोग कुछ और वेरिएबल नेम, क्लास नेम, मेथड नेम, ये सारी चीज़ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वो पहले से प्री डिफाइंड मिल जाते हैं। सेम वो 48 कीवर्ड्स को छोड़ के कुछ भी हम लोग दूसरा बना सकते हैं, लेकिन वही कीवर्ड को हम लोग दोबारा यूज़र डिफाइंड वेरिएबल, क्लास, ये सब चीज़ नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ देखो, जावा कीवर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स। की वर्ड्स आर पर्टिकुलर वर्ड्स विच एक्ट एज ए की टू कोड। ठीक है, मतलब हर एक की वर्ड का कुछ ना कुछ एक मीनिंग होगा। ठीक है, दिस प्री डिफाइंड वर्ड्स बाई जावा सो इट कैनॉट बी यूज एज ए वेरिएबल और ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, हम लोग जो की वर्ड्स है उसको एज ए वेरिएबल या ऑब्जेक्ट नेम या क्लास नेम या जैसा भी है, ठीक है, हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब कीवर्ड्स को हम लोग कीवर्ड जैसे ही यूज़ करेंगे। क्लियर? कीवर्ड तो सब लोग जान रहे होंगे क्या होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी कीवर्ड्स है, 48 कीवर्ड्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है जो हम लोग किसी क्लास को डिक्लेयर करते हैं या तो हम लोग मेथड को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, जावा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनता है। वो कैसे बनता है, कैसे यूज होता है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बूलियन। जावा बूलियन कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल एज बूलियन टाइप। ठीक है, डेटा टाइप होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट होता है ब्रेक। ठीक है, ब्रेक जो एक कीवर्ड है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी लूप को या स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक करते हैं। ठीक है, उसका फ्लो हम लोग रोक देते हैं। ठीक है, जो भी उसका फ्लो ऑफ कंट्रोल होगा उसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं वहीं पे। अगर लूप में हम लोग यूज़ करते हैं किसी कंडीशन के थ्रू, ठीक है, तो उस कंडीशन पे आने के बाद वो लूप रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाइट। ठीक है, बाइट भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, बाइट कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल दैट कैन होल्ड 8 बिट डेटा वैल्यूज। नेक्स्ट है केस। जावा केस कीवर्ड इज़ यूज विद द स्विच स्टेटमेंट टू मार्क ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, स्विच के साथ यूज होता है केस। ठीक है, कैच। ठीक है, कैच तुम लोग के लिए नया है। ठीक है, जावा कैच जो होता है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए होता है। किसके लिए होगा? एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता है। ठीक है, ट्राई कैच ये यूज होता है। ठीक है, ट्राई कैच फाइनली। ठीक है, नेक्स्ट होता है कैर। ठीक है, कैर एक क्या है? डेटा टाइप है। ठीक है, क्लास। ठीक है, क्लास तो पता होगा, क्लास डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, कंटिन्यू जैसा ब्रेक होता है उसका जस्ट अपोजिट कंटिन्यू होता है। ठीक है, ब्रेक जो है इटरेशन को या लूप को रोक देता है, कंटिन्यू क्या करेगा, उसको आगे बढ़ते रहे, एक स्टेप को स्किप कर देगा। ठीक है, डिफॉल्ट
डिफ़ॉल्ट भी एक ऐसा कीवर्ड है जो हम लोग अगर कोई ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग उसको मतलब स्विच स्टेटमेंट जब हम लोग यूज़ करते हैं तो कोई एक हम लोग केस जितने भी लिए हैं अगर इसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट पे चले जाता है, ठीक है। तो वो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है यहाँ पे, ठीक है, जो स्विच के साथ में यूज़ होता है। नेक्स्ट है डू, ठीक है, डू वाइल के लिए यूज़ होता है डू, ठीक है, डबल डेटा टाइप है, ठीक है। देन आता है एल्स, इफ एल्स, ठीक है, उसमें यूज होता है ई नम, ठीक है। ई नम जो कीवर्ड है इज यूज टू डिफाइन फिक्स सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। हम लोग कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं अगर उसको कोई सेट बनाना है हम लोग, लाइक एरेज वगैरह इस टाइप से, ठीक है। तो उस समय हम लोग यूज़ करते हैं ई नम का, ठीक है। ई नम हम लोग सी लैंग्वेज में भी पढ़े हैं। देन आता है एक्सटेंड्स, ये इनहेरिटेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, या फिर इंटरफेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फाइनल, फाइनल कीवर्ड जो होता है किसी भी वेरिएबल को अगर कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है, फ्यूचर में कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो उस टाइप की अगर कोई वैल्यू किसी भी वेरिएबल को अगर हम लोग फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब वो कांस्टेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनली, जो भी बताया था ना, ट्राई कैच और फाइनली, ठीक है, ये तीन कीवर्ड है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है, फ्लोट डेटा टाइप है, फॉर जो है वो लूप होता है, फॉर लूप, ठीक है। इफ़ कीवर्ड ये तो पता ही है, इम्प्लीमेंट्स ये इंटरफेस के साथ में यूज़ होगा, ठीक है। इंटरफेस एक ऐसा क्लास डिक्लेरेशन होता है जिसमें हम लोग कुछ भी डिफाइन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट होता है उसमें, ठीक है, उसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस को जैसे इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं वैसे ही हम लोग दूसरे क्लासेस में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पोर्ट, जैसा कि हम लोग सी सी प्लस प्लस में हम लोग इंक्लूड यूज़ किए थे, ठीक है, कोई लाइब्रेरी फाइल को हम लोग क्या करते हैं अपने प्रोग्राम में उसको इंक्लूड करते थे, वैसे यहाँ पे इम्पोर्ट होता है, ठीक है। जावा इम्पोर्ट कीवर्ड मेक्स क्लासेस एंड इंटरफेस अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू द करंट सोर्स कोड, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टेंस ऑफ, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी स्पेसिफाइड क्लास का या फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, जावा इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड इज यूज टू टेस्ट वेदर द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास और इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस, ठीक है। मतलब वो पता करेगा कि वो ऑब्जेक्ट है किसी क्लास का या फिर कोई इंटरफेस है, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग यूज़ करके देखेंगे, जैसे जैसे आगे टॉपिक बढ़ते जाएगा सब चीज़ यूज़ होगा, ठीक है। देन आता है इंट, इंट तो पता होगा इंटीजर वैल्यूज़ के लिए होता है, ये भी एक डेटा टाइप है। इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस मैंने अभी अभी बताया कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट होता है, ठीक है। इंटरफेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यूनिट नंबर 3 में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग, लॉन्ग भी एक डेटा टाइप है। देन आता है नेटिव, नेटिव भी एक ऐसा मेथड इन जनरली नेटिव एक इंटरफेस होता है, ठीक है, जिसको जावा नेटिव इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है, जो दूसरे मेथड को जो इंटरफेस में नहीं है, ठीक है, वो अपने लाइब्रेरी से लेके आता है, ठीक है। अगर हम लोगों मान के चलो कोई ऐसा इंटरफेस बनाना है, ठीक है, अगर हम लोग उसमें जितने भी मेथड्स है उसको नेटिव बना दिए, ठीक है, तो वो एज ए लाइब्रेरी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है न्यू, न्यू मैं बताया था क्या होता है, ठीक है, जावा न्यू कीवर्ड इज़ यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देन आता है नल, जावा नल कीवर्ड इज़ यूज टू इंडिकेट दैट ए रेफरेंस डज नॉट रिफर टू एनीथिंग, इट रिमूव्स द गार्बेज वैल्यू, ठीक है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट में या फिर हम लोग किसी वेरिएबल पे वैल्यूज़ नहीं डालते हैं, ठीक है, मतलब वो वेरिएबल खाली है,
तो उस केस में वहाँ गार्बेज वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसलिए वहाँ पे हम लोग नल असाइन कर देते हैं। नल मतलब एक एम्प्टी वैल्यू होती है, ठीक है, जो गार्बेज वैल्यू को रिमूव कर देता है। ठीक है, पैकेज, ठीक है, पैकेज मतलब एक फोल्डर होता है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी क्लासेस को रखते हैं। ठीक है, फिर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये तो जान रहे होंगे सब लोग। किशन, अपना एनोटेट बंद करो। ठीक है, देन आता है रिटर्न। रिटर्न भी सब लोग जानते होंगे, रिटर्न कीवर्ड क्यों यूज़ होता है। ठीक है, किसी भी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, ठीक है, मेथड में यूज़ किया जाता है ये। ठीक है, देन आता है शॉर्ट। शॉर्ट भी क्या होता है, एक डेटा टाइप है। ठीक है, स्टैटिक भी क्या है, एक ऐसा कीवर्ड है जिसको हम लोग वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम लोग किसी भी मेथड को, वेरिएबल को स्टैटिक बना रहे हैं तो सबसे पहले मेमोरी एलोकेट उसी को होता है। ठीक है, स्ट्रिक्ट एफपी। ठीक है, स्ट्रिक्ट एफपी मतलब होता है कि फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस को वो रेस्ट्रिक्ट करता है। यहाँ पे देखो, जावा एस स्ट्रिक्ट एफपी इज़ यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन टू एंश्योर पोर्टेबिलिटी। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस को रेस्ट्रिक्ट करेगा ये, ठीक है, पोर्टेबिलिटी के लिए। देन आता है सुपर। ठीक है, जावा सुपर कीवर्ड इज ए रेफरेंस वेरिएबल दैट इज़ यूज्ड टू रिफर पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, सुपर भी एक ऐसा कीवर्ड है, अगर हम लोग कोई इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं और उसके पेरेंट क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट किसका यूज़ कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास का, तब उस समय सुपर कीवर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सुपर कीवर्ड भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, सबके साथ लगता है, वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ, क्लास के साथ, तीनों के साथ लगेगा। ठीक है, और कैसे उसको यूज़ करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, गुलशन और किशन। किशन है क्या, आवाज़ पहुंच रही है किशन के पास? किशन आहूजा, किशन है क्या ऑनलाइन? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्विच पे। स्विच भी पता होगा क्या होता है। ठीक है, स्विच कीवर्ड जो होता है वो कुछ एक कंडीशन बेस्ड हम लोग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट केस यूज़ करके। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है दिस। ठीक है, दिस कीवर्ड जो होता है करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, देन आता है थ्रो। ठीक है, अगर हम लोग का कोड जो है वो कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करने वाला है, ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है कि ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग थ्रो करवाते हैं। ठीक है, तो ये जनरली कस्टम एक्सेप्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जावा लैंग्वेज में। ठीक है, देन आता है थ्रोस। थ्रोस भी किसी भी एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये थ्रो करने के लिए यूज़ होता है, ये डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। देन आता है ट्रांजियंट। ठीक है, ये सब न्यू है आप लोग के लिए। ठीक है, थ्रो, थ्रोस, ट्रांजियंट। ठीक है, ट्रांजियंट जो है वो सीरियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, जनरली आप लोग के कोर्स में नहीं है वो सब। ठीक है,
ठीक है, देन आता है ट्राई, ट्राई, कैच, फाइनली, ये तीनों कीवर्ड हम लोग एक्सेप्शंस के लिए यूज़ कर होते हैं। और ये होता है वॉइड, वॉइड मतलब होता है अगर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है कोई भी मेथड, तो हम लोग वहाँ पे वॉइड लगा लेते हैं, मतलब एक टाइप का रिटर्न टाइप है वो, ठीक है। देन होता है वोलेटाइल, ठीक है, वोलेटाइल कीवर्ड इज़ यूज टू इंडिकेट दैट वेरिएबल में चेंज एसिंक्रोनसली, ठीक है, एसिंक्रोनसली अगर हम लोग को कोई भी वैल्यू को चेंज करना है तो हम लोग वोलेटाइल यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब वो चुपचाप चेंज हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्लियर? देन आता है वाइल, ठीक है, जावा वाइल कीवर्ड इज यूज टू स्टार्ट वाइल लूप, ये तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो 48 बेसिक कीवर्ड्स होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग की जानकारी में इतने होने चाहिए, ठीक है, आया समझ में? वैसे अगर हम लोग यहाँ कीवर्ड देखें तो बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको? कीवर्ड समझ में आया है कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। ये किशन के पास आवाज पहुंच पा रही है कि नहीं? किशन सुन पा रहे हो? कीवर्ड समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं कीवर्ड्स में, ठीक है। अब वो कीवर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं वो हम लोग एक 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 करके सीख जाएंगे, ठीक है। क्लियर है अभी तक का टॉपिक कि नहीं है? ठीक, ओके, ठीक है। देन आता है जावा इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट पता है क्या होता है? पता है? ओके, ठीक है, तो बताने की ज़रूरत है कि इफ एल्स स्टेटमेंट? ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट कोई भी कंडीशन को टेस्ट करता है, ठीक है, टेस्ट करने के बाद उसके हिसाब से वहाँ पे ट्रू और फॉल्स का हम लोग को वैल्यू देता है। अब ट्रू वाला एक ब्लॉक होगा, फॉल्स का भी एक ब्लॉक होगा, ठीक है। ट्रू के अकॉर्डिंग ट्रू वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे पास, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो जावा इफ स्टेटमेंट, ये सिंपल इफ है जिसमें इफ हम लोग ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन देते हैं और इस टाइप का ब्रैकेट ओपन को ओपन करते हैं और क्लोज कर देते हैं, इसके बीच में हम लोग जो भी हम लोग को कोड लिखना होता है वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका डायग्राम भी हम लोग देखें तो इस टाइप का डायग्राम बनता है, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स वाला होगा तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ सिंपल इफ, ठीक है, इस टाइप का एक प्रोग्राम है छोटा सा, ठीक है। ये सब छोटे छोटे प्रोग्राम है, सब चीज़ रन करके पहले ही देख चुके हो, ठीक है, पहले सब कर चुके हैं, इसलिए फिर से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आगे काम आएगा, ठीक है, इसीलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि यूनिट यूनिट वन में यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या किए हम लोग, इंट एज ले लिए, एज इक्वल टू 20, ठीक है, एज इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है, कंडीशन हम लोग ले लिए, कंडीशन क्या हमारे पास, एज इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है। ये प्रोग्राम है वोटिंग के लिए चेक करने वाला, ठीक है, अगर वो एलिजिबल है, ठीक है, वैसा भी हम लोग ले सकते हैं, या फिर एज को बस जस्ट चेक कर रहे हैं कि वो 18 से अबव है कि नहीं है,
तो यहाँ पे चेक करेंगे एज इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एज इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है। अगर यहाँ पे जो एज है वो 18 से बड़ा होगा तो क्या प्रिंट करेगा, एज इज़ ग्रेटर देन 18। अभी एज की वैल्यू क्या है, 20 है, ठीक है, 20 इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा, एज इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट में हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एक सिंपल इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, जो हम लोग सी और सी प्लस प्लस में यूज़ कर रहे थे सेम वही चीज़ है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है। देन आता है जावा इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा, इफ रहेगा, कंडीशन हम लोग लगाएंगे, ठीक है, एक ट्रू वाला ब्लॉक होगा, ये ट्रू वाला ब्लॉक है, और ये एल्स में अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सभी को पता है कि नहीं पता है इफ एल्स, पता है ना सभी को, ठीक है, ठीक है। इसका भी एक प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग छोटा सा, ठीक है, जब नोट्स में दे दूंगा तो सबको एक एक बार रन करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये सब एक 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 ही चीज़ अगर हम लोग रन करके देखते जाएंगे तो आगे के टॉपिक्स मेन जो हमारे हैं जावा प्रोग्राम में जिसको सीखना है वो सब छूट जाएगा, फिर डिले हो जाएगा, और एग्ज़ाम भी इस बार वही टाइम पे होगा, और अभी कितना हो गया, नवंबर आने वाला है ना, अभी तक तो लगभग 3 यूनिट कंप्लीट हो जाता अगर जुलाई से चालू हो जाता तो। अरे तो एग्ज़ाम तो महाराज मार्च में ही होगा ना,